हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होमी टिप्स। फ्रेंड्स, शरीर को स्वस्थ पाने के लिए हमेशा विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर को फिट रखने के लिए मिनरल्स की भी जरूरत होती है। मिनरल्स में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी तत्व पाए जाते हैं, बावजूद इसके लोग मिनरल्स को इग्नोर कर देते हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों को मिनरल्स की जरूरत और प्राकृतिक स्रोत के बारे में पता नहीं होता। हमारे दैनिक कामों को करने के लिए विटामिन और मिनरल्स दोनों की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों को दुरुस्त बनाने का काम करता है। अगर शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो इससे हॉर्मोन्स पर भी असर पड़ता है। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने और शरीर में एसिड का संतुलन बनाए रखने के लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप खानपान से अपने शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला मिनरल है आयरन। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन को ठीक रखने, खून की कमी को पूरा करने और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करने के लिए जरूरी है। शरीर में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या अनीमिया होने पर आप खाने में पालक, चकुंदर, अनार, सेब, पिस्ता, आंवला, सूखे मेवा, हरी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। अगला मिनरल है फ्रेंड्स, कैल्शियम। शरीर में जरूरी मिनरल्स में सबसे अहम है कैल्शियम। दिमाग के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी तत्व माना जाता है। कैल्शियम सूचनाओं को दिमाग से शरीर के सभी अंगों तक भेजने का काम करता है। आप कैल्शियम की कमी को भोजन से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए डाइट में दूध से बने उत्पाद, दालें, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और संतरा खा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिंक। जिंक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी मिनरल है। ये ऐसा मिनरल है जो शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में जिंक मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप जिंक का सेवन जरूर करें। जिंक बेक्ड बीन, दूध, पनीर, दही, रेड मीट, चना, दाल, कद्दू, तिल, मूंगफली, काजू, बादाम, अंडा, गेहूं और चावल जैसी चीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। इससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। मैग्नीशियम हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए भी जरूरी है। आप मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मूंगफली, सोया मिल्क, काजू, बादाम, पालक, ब्राउन राइस, सेलमन मछली, चिकन जैसे खाद्य पदार्थ को आहार में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पोटेशियम। पाचन क्रियाओं को दुरुस्त रखने और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम जरूरी है। आप आहार में शकरकंद, मटर, कद्दू, आलू, केला, ऑरेंज, खीरा, मशरूम, बैंगन, किशमिश, खजूर शामिल करके पोटेशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेलेनियम। फ्रेंड्स, इसकी कमी होने पर मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, इससे जोड़ों में दर्द की समस्या होने लगती हैं। आप सेलेनियम की कमी को पूरा करने के लिए खाने में सोया मिल्क, चिकन, फिश, अंडा, केला, ब्लूबेरी शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन मिनरल्स के बारे में जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।